it's Naze, the Buck Boy from Bombay 70, Cabaret Republic. आई थिंक रेडियो सिटी अवार्ड्स हमेशा से अंडरग्राउंड आर्टिस्ट लोग को बहुत सपोर्ट किया है. हमें भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है इस चीज़ से, क्योंकि जब हमें पहला अवार्ड मिला था डिवाइन को, ये मेरा बॉम्बे के लिए, तो उसने वो अवार्ड लेकर हमने मेरे गली में शूट किया था कि यू नो हमारे पास अवार्ड है, हम लोग हल्के में मत लेना. और फिर दूसरा, फिर मेरे गली को भी अवार्ड मिला इस चीज़ के लिए. बेस्ट हिप हॉप एंड रैप आर्टिस्ट जजेस चॉइस गली गैंग स्टैंड अप डिवाइन एंड नेज़ी. शूटरों का खास मेरे, अब पूरे शहर की आवाज मेरे, अपरे आरतिया नमाज मेरे, अम्मा पे गाली तो चमाट मेरे. एक नंबर, ये हिप हॉप के लिए. हम हिप हॉप करते, देसी हिप हॉप या अंग्रेजी हिप हॉप, ये नहीं, सिर्फ हिप हॉप. मेरी गाली में, शूटरों का खास मेरे गाली में. डिवाइन जीत गया, आई एम सो हैप्पी, कांग्रेचुलेशन. यस यस यस, थैंक्स अ लॉट रेडियो सिटी पब्लिक को शुक्रिया, और जिसने भी वोट किया उनको भी शुक्रिया, और जजेस को भी शुक्रिया, पूरी बॉम्बे को शुक्रिया, हिंदुस्तान को शुक्रिया. बॉम्बे को शुक्रिया, हिंदुस्तान को शुक्रिया. भाई देखो, जूरी का अवार्ड मिलना एक अलग ही चीज होती है, जिसको आप एक्सपेक्ट या एंटिसिपेट नहीं कर सकते. उम्मीद थी मिलेगा इस साल? नहीं, उम्मीद तो नहीं थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो गाना बहुत झूना हो गया, पर लेकिन गाना अटक गया है सबके दिमाग में. तो थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस टू डिवाइन, हिज वन फॉर मेरी गली में. एक बार दिखा दो ऐसे. ये तीसरा अवार्ड है, तीसरा. या हां, तीसरा है ये. इससे पहले जूरी पीपल्स दोनों मिला था. एक अच्छा प्लेटफॉर्म है नए इंडी आर्टिस्ट के लिए जो आ रहे हैं, ऊपर आना चाह रहे, क्योंकि उनको एक जब अवार्ड मिलता है तो उससे बहुत पॉजिटिव एक यू नो एक मोटिवेशन मिलता है आर्टिस्ट को भी, और उसका रिकग्निशन होता है चारों तरफ के. यू नो, एक रेडियो सिटी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए नए बंदों के लिए, उनके म्यूजिक के लिए. तो आई थिंक इंडी सीन के लिए बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है नए बंदों के लिए, और हमारी काफ़ी मदद हुई है इस चीज़ से, और आगे भी होने वाली है. और अभी इसका छठा एडिशन होने वाला है, जिसके लिए आप लोग अपनी एंट्रीज डालो, और हर साल आपको अपनी एंट्रीज डालनी चाहिए और इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि ये अवार्ड बहुत मायने रखता है. नहीं, इज द बक बॉय.